One sector that everyone wants to have a bite of, a part of, is none other than renewable energy. I'm sure by now 30 people have already told you that renewable energy is the future, and from 30 places you already have heard it. Or aapko khud bhi feel hoga renewable energy the future hai, because India ki 2030 goals dekh lo. And I agree with you. But renewable energy bahut bada field hai. रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आपका विंड एनर्जी आ जाएगा, जिसमें विंड टर्बाइन्स ये सब आएगा, फिर आपको सोलर पैनल्स आएंगे, सोलर एनर्जी आ जाएगी, फिर आपका ईवी भी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आ जाएगा, उसके बाद आपका आएगा ग्रीन हाइड्रोजन। और ये ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसा एरिया है जिसका स्कोप पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, एक इसलिए भी है बिकॉज ज्यादा जनता की नजरों में नहीं है। और क्यों नहीं है? बिकॉज उसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, कंपनीज को स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट है। बट आपको पता है ना आपके पास कौन है, आपका गोयला आपके पीछे खड़ा हुआ है, तो यू डोंट नीड टू वरी, डिफिकल्ट क्या है, वो गोयला सारा काम कर लेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, और आपको पता है ना गोयला काम क्या है, आपको प्रॉपर रिसर्च एक फन तरीके से देना, आपका काम है खुद पढ़ के फिर डिसाइड करना, ठीक है? चलो सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन, है ना? बिकॉज अगर आपको सेक्टर को समझना है तो सेक्टर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो ये मैं पहले रिकॉर्ड कर चुका था, तो वो क्लिप मैं यहां डाल रहा हूं कि ग्रीन हाइड्रोजन एग्जैक्टली होता क्या है। हाइड्रोजन को यूज किया जाता है फॉर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये बहुत ही पावरफुल टूल है जहां पे बस रन करती है। हाइड्रोजन कैन फ्यूल अ लॉट ऑफ एनर्जी फॉर अस, व्हिच इज फैंटास्टिक। अब हाइड्रोजन ना बहुत कलर्स की होती है, टू बी स्पेसिफिक इन 8 टाइप के कलर्स की होती है। अब हाइड्रोजन एलिमेंट का कलर की डिफरेंसिएशन की बात नहीं कर रहा हूं, हाइड्रोजन कैसे डिराइव हुआ है ना उसके बेसिस पे कलर रखा जाता है। जैसे कि इंडिया में ग्रे हाइड्रोजन आ रहा है, बट हमारा टारगेट क्या है कि हमें ग्रीन हाइड्रोजन चाहिए। मतलब समझा रहा हूं, ये कलर का जो डिफरेंशिएशन है ना, ये होता है कि वो हाइड्रोजन को डिराइव कैसे किया गया। अब हाइड्रोजन को कैसे डिराइव करते हैं, सिंपल है, वाटर है H2O, ठीक है? तो H2 को हम निकाल लेंगे तो अपने पास क्या जाएगा, हाइड्रोजन। अब इसका प्रोसेस क्या होता है कि पानी में इलेक्ट्रोसिस करी जाती है, जिससे मतलब वो मॉलिक्यूल टूट जाए और हाइड्रोजन अलग डिराइव हो जाए। अब इलेक्ट्रोसिस के लिए हीट चाहिए, तो पानी पे हम हीट डालेंगे। और अब क्वेश्चन वहां से आता है कि जो हीट आप पानी के लिए यूज कर रहे हो, जो एनर्जी आप पानी को इलेक्ट्रोसिस के लिए यूज कर रहे हो, वो एनर्जी कहां से आ रही है? अगर वो एनर्जी फॉसिल फ्यूल की नेचुरल गैसेस से आ रही है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रे हाइड्रोजन। बिकॉज अल्टीमेटली वो जो रिन्यूएबल हाइड्रोजन है, उसका सोर्स तो फॉसिल फ्यूल ही है, इट्स ग्रे हाइड्रोजन। व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन? ग्रीन हाइड्रोजन होता है कि जो हाइड्रोजन ड्राइव हो रहा है, जिस पानी से ड्राइव हो रहा है, उस पानी के इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो एनर्जी यूज हुई है, वो भी रिन्यूएबल सोर्सेज से हुई है, लाइक सोलर, विंड। इसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। दुनिया का टारगेट क्या है, वी वॉन्ट टू कलेक्ट ग्रीन हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन जैसे ड्राइव होता है, उसके 8 और टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपने पढ़ सकते हो, और कंपनी एनालिसिस करने के लिए इतना आप समझ गए ना, इट्स गुड इनफ। देखो ग्रीन हाइड्रोजन क्लियर हो गया ना, अब आ जाते हैं स्टॉक्स में, और पहला स्टॉक आता है CESC। अब CESC लिमिटेड, ये कंपनी संजीव गोयनका ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है। बेसिकली कंपनी एक इंटीग्रेटेड पावर यूटिलिटी कंपनी है, जो पावर जनरेट भी करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। अब इस कंपनी का बिजनेस काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली चीज ना, एक तो इनके खुद के इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं जिसमें काम कर रहे हैं, उसके बाद ये कंपनी जॉइंट वेंचर्स में भी काम करती है, जो इस कंपनी को काफी यूनिक और काफी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी बनाती है। अभी आप सुनते जाओ, कंपनियां काम क्या है, बिजली जनरेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक सेफ तरीके से, एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। इनका जो रीच है वो है कैलकटा में है, फिर हुगली में है, फिर वेस्ट बंगाल में है, काफी जगह ये कंपनी फैली हुई है अनडाउटेडली। ये आप एस्टिमेट इससे लगा सकते हो क्योंकि दे हैव अ एक्टिव कस्टमर बेस ऑफ 3.5 मिलियन कस्टमर्स, 35 लाख लोगों को ये बिजली प्रोवाइड करते हैं। सो आपको कंपनी का स्केल दिख रहा है। अब मैंने आपको जॉइंट वेंचर के बारे में बताया था ना, ये कंपनी लाइसेंसेस का फायदा उठाती है। अब होता क्या है, जनरली गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट्स का, डिस्ट्रिक्ट्स का या सिटीज का, बहुत बार डिस्कॉम्स को लाइसेंस मिल जाता है ना। तो सपोज कि एक डिस्ट्रिक्ट ने लाइसेंस दिया डिस्कॉम को, डिस्कॉम मतलब जो बिजली डिस्ट्रीब्यूट करता है, कि इस एरिया में बिजली सर्व सिर्फ आप ही दो। अब जब ऐसा लाइसेंस मिल जाता है, एक मोनोपोलिस्ट से कंट्रोल आ जाता है, क्लियर एडवांटेज है। और कंपनी को क्या करना है, कंपनी जो डिस्कॉम उसको पता है कि देखो बिजली मुझे देनी है, इस लेवल पे देनी है, इस प्राइस पे देनी है। अब जितनी कंपनी अपनी एफिशिएंसीज बेटर कर ले, ऑपरेशंस बेटर कर ले, कॉस्ट बचा ले, तो देखो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बड़ा बढ़ जाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो इट इज अ इंटरेस्टिंग स्पेस टू बी इन, और CESC इसमें है। इनका जॉइंट वेंचर है विद NPCIL। अब कैलकटा और ग्रेटर नोएडा में इनको सोल पावर डिस्ट्रीब्यूटर का लाइसेंस मिल गया है। कैलकटा में है टिल 2038, ग्रेटर नोएडा में है टिल 2029। तो अगेन इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर देम। ये है पावर डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, बढ़िया है। बट फ्यूचर की बात करें, अब इस कंपनी में रिस्क है, राइट? बट जो अभी ग्रीन हाइड्रोजन कर लेना फॉर द फ्यूचर, इसको बहुत एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन बनाता है। एंड अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बारे में खुद पढ़ना, क्योंकि हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में ही आ सकता है। कैसे? सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, तो इन्होंने एक बहुत ही एक्साइटिंग
10,500 मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का कैलकटा कोष में जो पूरा बनाना था उसमें बिड डाली थी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सर, ये बिड जीत गए हैं। ये प्रोजेक्ट जिसकी ये बिड जीते हैं, ये प्रोजेक्ट आता है अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो ऑफकोर्स इस कंपनी को उस प्रोजेक्ट के लिए फिस्कल इंसेंटिव्स भी मिलेंगे बिकॉज ये गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव से अलाइन करता है। और एक्सपेक्टेड ये है कि ये प्रोजेक्ट 3 साल के अंदर कमीशन हो जाएगा और कंस्ट्रक्शन तो बहुत जल्दी ही कभी भी शुरू होने वाली है, कमेंस करने वाली है। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट होगा एक पायलट प्रोजेक्ट होगा। अब अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ और इसका अच्छे ऑपरेशन हो पाया और भी हुआ, तो सर इस कंपनी को और भी बड़े ऑर्डर्स मिलते जाएंगे जहां पे ये और ज्यादा इस प्लांट को एक्सपैंड कर पाएंगे। अगेन ऑल ऑफ दिस बाय बैक्ड अप बाय द गवर्नमेंट। ये जो टेंडर है ना, ये टेंडर था और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसमें अगेन बड़ी बड़ी कंपनीज, अडानी ले लो, जेएसडब्ल्यू एनर्जी ले लो, रिलायंस इंडस्ट्री लो, ठीक है, ग्रीन को ले लो, अवाडा ले लो, सब अप्लाई करते हैं। तो दिस कंपनी इज इन दिस स्पेस। और जो कंपनी की टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो खुद रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत फोकस कर रहा है। अब अगेन इनके चेयरमैन संजीव गोयनका की आप सुनिए, वो ये बोलते हैं, वी आर डूइंग अ स्टडी बाय अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, मेकिंग अ कंपनी एज ग्रीन एज वी कैन। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उन्होंने प्रायोरिटी में किस चीज को रखा हुआ है, रिन्यूएबल एनर्जी। सो इन्वेस्टर्स को उससे क्लैरिटी मिलती है। एंड अगेन ये मुझे कैसे पता चला है, सब स्टडी है, कंपनी के कॉन कॉल्स है, मैं एक पूरी वीडियो निकालने वाला हूँ जहां पे मैं लिखा है हाउ टू फाइंड अंडरवैल्यूड स्टॉक्स, एक और वीडियो है जहां मैंने बताया हाउ टू ट्रैक द क्वार्टर रिजल्ट्स ऑफ ए कंपनी। इन वीडियोस को जरूर देखना सो दैट जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये आप खुद भी कर पाओ और खुद चेक भी कर पाओ। और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ उन सब इन्फॉर्मेशन का सोर्सेज के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज उनको भी जाके देखो, आपको पता चलेगा यार गोला गोला की टीम खास रिसर्च करिए, कहाँ करिए, क्या करिए, सो दैट आपका पूरा इसमें बेनिफिट होगा। अब कंपनी में दोबारा आते हैं, मैनेजमेंट तो ये भी बोल रही है कि ये फोकस कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन में और रिन्यूएबल एनर्जी एवेन्यूज में। और इसके लिए इन्होंने क्या क्या चीजें की हैं, सबसे पहले 250 एकड़ का लैंड ले लिया है, अपनी फिजिकल पोजेशन में लिया है इन बीकानेर, उसमें भी ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट सेटअप करना चाहते हैं। उसके बाद एडवांस स्टेजेस में है 2000 एकर्स का लैंड और लेने के लिए। उसके बाद गुजरात गवर्नमेंट को EOI सबमिट कर दिया है आस्किंग फॉर 20,000 हेक्टर्स फॉर गवर्नमेंट लैंड टू सेटअप सोलर विंड हाइब्रिड पोर्टफोलियो इन गुजरात। तो ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी को लेके बहुत सीरियस है। ये है कंपनी के फाइनेंशियल्स। और एक चीज जो यहाँ खटकती है जो मैं आपको हाईरिस्क बोल रहा हूँ, इसका डेट इक्विटी इज 1.22 जो ज्यादा है, तो प्लीज इसको दोबारा स्टडी करके तभी सोचेगा। ये है कंपनी का ग्राफ। अब आ जाते हैं सेकेंड स्टॉक, बट उसके पहले एज ए इन्वेस्टर एक कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट से आप सबसे ज्यादा टच में रहते हो जिसपे आप रिलाय बहुत ज्यादा करते हो, आपका स्टॉक ब्रोकर। और स्टॉक ब्रोकर अगर रिलायबल हो, स्ट्रॉन्ग हो, अच्छी सर्विसेज दे रहा है, इनोवेटिव सर्विसेज दे रहा है, तो उससे बेटर हम इन्वेस्टर्स के लिए कुछ नहीं होता। और इसी के लिए एक स्टॉक ब्रोकर ऐसा है जिसको आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए, दैट इज ब्लिंक एक्स। अब इस स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में बहुत एडवांटेजेस है। सबसे पहली चीज सुपरसोनिक स्पीड। जो टाइम था कि ग्लिचेस आ रहे हैं, आपके ट्रेड अटक गए, आपकी इन्वेस्टमेंट अटक गई, सिस्टम अटक गया, वो इस प्लेटफॉर्म में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिर कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड, इस डैशबोर्ड को आप प्ले अराउंड कर सकते हो टू बी श्योर आप अपने हिसाब से जो चीजें आप प्रायोरिटी में, जो मेट्रिक्स आप प्रायोरिटी में, आपको प्रायोरिटी में ही देखें और अपने लिए अपना प्लेटफॉर्म यूजर फ्रेंडली बना लो। देन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, जहां पे यू कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर ऑप्शंस, आपका आ जाएगा IPOs, आपके म्यूचुअल फंड्स, आपके इंडेक्स फंड्स, हर चीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये और ऐसे क्लासेस भी ला रहे हैं तो आगे जाके भी आपको फायदा ही होगा। एंड इनका एक एलिमेंट्री प्लान भी है जहां पे इफ यू आर समवन हु इज वेरी न्यू टू स्टॉक मार्केट्स, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो दिस प्लेटफॉर्म विल हेल्प यू टू स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज अदरवाइज स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ना बड़े इंटिमिडेटिंग हो जाते हैं। इनकी एक प्रॉपर प्रिसीजन एडवाइजरी है जहां पे आपको अच्छे स्टॉक्स के बारे में रिसर्च और स्टडी मिलती है, हेल्पिंग यू टू मेक योर डिसीजन इजियर। एंड मेरा फेवरेट इनका नॉलेज बेस, ये अपने क्लाइंट्स के साथ जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, ये आर्टिकल चेक करते हैं, न्यूज अपडेट चेक करते हैं। तो बहुत लोगों को जो कंप्लेन होती है कि वेयर टू गेट न्यूज अपडेट फ्रॉम, मुझे कहां से अपडेट मिलेगा, क्या देखूं क्या नहीं देखूं, वेल ब्लिंकएक्स प्लेटफॉर्म आपको देता है। और चार्जेस की बात करोगे तो यू पे 799 रुपीज। उस ऑफर में यू डोंट नीड टू पे एनी अकाउंट ओपनिंग चार्ज, देयर इज नो AMC, देयर इज नो फ्यूचर डिलीवरी ऑप्शंस, देयर इज नो FNO में आपके चार्जेस नहीं कटेंगे, आपके डिलीवरी में नहीं कटेंगे, आपके इंटरडे में नहीं कटेंगे, सब कुछ फ्री। ब्लिंकएक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस प्लेटफॉर्म को आप जरूर चेकआउट करना, लिंक में जरूर क्लिक करना, आपको काफी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी ना ये प्लेटफॉर्म दे सकता है। अब आ जाते हैं अपने सेकेंड स्टॉक में जो है मैन इंडस्ट्रीज। मैन इंडस्ट्रीज, आपको यही सुनिए समझ जाएगा इस कंपनी किस स्केल में ऑपरेट करती है। ये कंपनी इज दैट कि ये कंपनी भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर है ऑफ एलसॉ पाइप्स एंड एचसॉ पाइप्स विद द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 1 मिलियन टन्स।
एंड अगेन लीडिंग मैन्युफैक्चर इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं ऑफ लार्ज डायमीटर पाइप, बेसिकली जो चौड़े पाइप्स होते हैं ना उनके लिए। अब सबसे पहले जब देखोगे पाइप्स, ये ऑटोमेटिकली मेरे लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर है टू बी इन, बिकॉज इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में केबल्स और पाइप्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, ये आएंगी ही आएंगी, जैसे एशल पाइप्स, प्रिंस पाइप्स, दिस सेक्टर, पाइप्स का सेक्टर अ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्टर टू बी इन द फ्यूचर, बिकॉज की नीड तो देखो है ही है, ठीक है, और ये विद टाइम बढ़ता ही जाएगा, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा होगा। अब मैन इंडस्ट्री जो पाइप्स है ना, ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स में यूज हो रही है, विच मेक्स इट इवन मोर इंटरेस्टिंग। अब सुनो, इस कंपनी की मैनेजर एक्सपेक्ट कर रही है ट्रिमेंडस ग्रोथ फॉर द कमिंग 2 years। वाई? बिकॉज ये मेकर है ऑफ लार्ज पाइप्स जो हाइड्रोजन प्लांट्स में यूज होती है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, ये जो पाइप्स है ना जो ग्रीन हाइड्रोजन यूज होंगी, ये पाइप्स को यूरोप रिसर्च के लिए भेजा था, वहां पे पाया है कि ये पाइप्स की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, सेफ्टी परफेक्ट है फॉर हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज ऑफ विच मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि FY24 में जो टॉप लाइन है, मतलब जो उनका रेवेन्यू है, 40% से इंक्रीज कर जाएगा, और जो बॉटम लाइन है, जो उनका प्रॉफिटेबिलिटी है, इट विल बी मच बेटर बाय लास्ट ईयर। दिस इज व्हाट द मैनेजमेंट इज थिंकिंग। आप खुद देखो मैनेजमेंट कितनी ऑप्टिमिस्टिक है, बिकॉज अगेन इनका फोकस क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी ऊपर जाएगी। इनका एक और आर्ग्यूमेंट ये है कि देखो ग्रीन हाइड्रोजन जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, आगे जाके तो बोल रहे हैं शायद हाइड्रोजन गाड़ियां बेटर होंगी ईवी से, तो हाइड्रोजन गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, उसमें मैन इंडस्ट्रीज विल बिकम एसेंशियल टू इट। अगर मैं बात करूं अभी मैन इंडस्ट्रीज की, बहुत सारी इंडियन कॉन्ग्लोमरेट से बात चल रही है जो ट्रांसमिशन एंड ग्रीन एनर्जी देख रहे हैं, जो ग्रीन हाइड्रोजन को स्पेसिफिकली देख रहे हैं, एंड ये कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है 30-40 crore का। क्यों? अपनी R&D करने और इक्विपमेंट और बेटर करना, टू मेक श्योर जो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए पाइप्स आएंगी दे कैन प्रोवाइड फॉर इट। अब अगर हम मोड्स की बात करोगे ना, तो आप देखोगे पाइप इंडस्ट्री में आना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज टू मैन्युफैक्चर पाइप्स, टू हैव दैट क्वालिटी कंट्रोल, टू हैव दैट R&D, आपको बहुत कैपिटल चाहिए। और आपको यही देख के समझ आएगा कि जो इंडिया के टॉप 4 पाइप्स प्लेयर्स हैं, दे कंट्रोल 80% ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट, 80% ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट। रही बात मैन इंडस्ट्रीज की, तो इट इज वन ऑफ द टॉप डॉग्स हियर। क्लियरली आप देखोगे ये 100 पाइप्स में, 100 पाइप्स क्या होती हैं? सबमर्ज्ड आर्क वेल्डेड पाइप्स। H100 पाइप्स में, L100 पाइप्स में, दे आर द लार्जेस्ट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, एंड सिंस 1995 दे हैव बीन मेकिंग ब्रांच पाइप्स, दे हैव बीन मेकिंग कोटिंग्स, दे हैव बीन मेकिंग 100 पाइप्स, तो कंपनी में दम है, मोट्स तगड़े हैं। अब आ जाते हैं क्लाइंट्स पे, डोमेस्टिक क्लाइंट्स की बात करोगे तो देव गॉट गेल, IOHCL, HPCL, BPCL, ONGC, रिलायंस, अडानी, भेल, L&T, पेट्रोनेट, सभी है, मतलब ऑल द बिग प्लेयर्स, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं तो देव गॉट शेल, किंडर मॉर्गन, फिर कुवैत ऑयल कंपनी, हुंडई इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, पेट्रो बंगला, NPCC, पेट्रोब्रास जो ब्राजील कंपनी, इट्स ह्यूज, ये सारे लोग ना इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो देखो सर, ये है कंपनी के जो प्लान्स हैं टू इवन एक्सीड द कैपेसिटी, एंड अगेन दे आर गोइंग टू बी यूजिंग ग्रीन हाइड्रोजन, दे आर गोइंग टू बी यूजिंग केमिकल सेक्टर, इनके प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी यूज इन फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर, बहुत मेजर यूज केस है। और मैनेजमेंट की ग्रोथ स्ट्रेटजी क्लियर है कि इनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन चाहिए जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैं, एंड टू वेंचर इनटू न्यू सेक्टर्स। अब क्या हर चीज बढ़िया है? नहीं, इस कंपनी में देखो इश्यूज हैं। सबसे मेजर इशू जो मुझे इस कंपनी की इंटेग्रिटी से आता है, इसलिए आपको उसको ट्रैक करना जरूरी है, वो है कि इस कंपनी में फ्रॉड हो चुका है। सेबी की चिट्ठी आई थी डेटेड 22 नवंबर 2021, जहां पे सेबी ने बोला कि एक फॉरेंसिक ऑडिटर को हायर किया गया था टू लुक एट मैन इंडस्ट्रीज फॉर द पास्ट 7 years, फ्रॉम 31 मार्च 2015 टू 31 मार्च 2021। क्यों? पॉसिबिलिटी थी ऑफ फ्रॉड कि शायद इस कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, जहां पे इनके फंड्स को डाइवर्ट किया जा रहा है। अब हो सकता है कंफ्यूजन भी हो, वो देखो क्लैरिटी पे पता चलेगा, बट एक चीज जिसने इस कंपनी में बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा दिया ना, वो ये था फॉर द फैक्ट कि इस कंपनी ने जो चिट्ठी सेबी की तरफ से आई थी 22 नवंबर 2021, कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बताया 10 मई 2022, इतने टाइम बाद। एंड ऑफ कोर्स जब इसके बारे में पता चला तो इन्वेस्टर्स का थोड़ा हालत खराब हो गई थी, इन्वेस्टर्स स्टॉक से थोड़ा डर रहे थे, और जो भी इनके अकाउंट्स की स्क्रूटनी हुई है, कुछ रिपोर्ट्स ये बोल रही हैं कि शायद जितना दिख रहा है सर्फेस में प्रॉब्लम है, शायद उससे प्रॉब्लम डीपर है। अभी भी चीजें खुल रही हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वैसे तो आप देखोगे मैनेजमेंट अच्छी है, चल रही है, बट दिस इज वन इशू जो हमें देखना पड़ेगा क्लोजली कि कैसा ये इशू खुलता रहता है। फाइनेंशियल की बात करें, दीज आर द फाइनेंशियल कंपनी, डेट इक्विटी एकदम बढ़िया 0.18, दिस इज द कंपनीज ग्राफ। बाय द वे आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नोटिस्ड, बट ये ग्रीन लाइट दिख रही है, ये थोड़ा मैं ग्रीन हाइड्रोजन थीम में लगाया था। मैं ऐसे बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स डालता था हर वीडियो में अकॉर्डिंग टू द थीम,
अगर आपने नोटिस किया तो कमेंट बॉक्स में बताओ. एंड इफ यू वॉन्ट टू नो हाउ टू चूज दीज क्वालिटी स्टॉक्स बाय योर सेल्फ, तो उसका पूरा वेबिनार है, उसका लिंक भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा. अब आ जाते हैं थर्ड स्टॉक में, और ये स्टॉक मेरा पर्सनल फेवरेट है इन ग्रीन हाइड्रोजन स्पेस, और ये स्टॉक है इलेक्ट्रा ग्रीन टेक. अब आई नो रिसेंटली ये स्टॉक काफी यूज में रहा है, एंड यू माइट थिंक कि गोला स्टॉक ऑलरेडी ऊपर चढ़ गया, इसकी अब क्यों बात कर रहे हैं. एक सेकंड, एक दो हफ्ता स्टॉक ऊपर नहीं गया, मुझसे वो मतलब नहीं है. हम दोस्त, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं यार. जस्ट थिंक अबाउट इट, 2021 में, तीन साल पहले ब्रिटानिया अच्छा कर रहा था. अब मैं ब्रिटानिया पे वीडियो बना, इसका मतलब ये थोड़ी कह रहे यार तुमने ब्रिटानिया पे वीडियो बना दी, ब्रिटानिया ऑलरेडी अच्छा कर चुका है. ब्रिटानिया को अब देख लो कहां से कहां पहुंच गया, राइट. हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है. इलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ये कंपनी प्योर प्ले इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चर कंपनी है. बेसिकली इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक ट्रक्स, जो ऑफकोर्स इंडिया के लिए जरूरी है ही. ट्रांसपोर्टेशन में इनका बहुत मेजर एज है, हैदराबाद में इनकी फैसिलिटी है, एंड वन ऑफ द लीडिंग है इन देयर क्लास इन आवर कंट्री. अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अगर आपको याद हो तो जो ईवीज वाली वीडियो थी उसमें इलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बात की गई थी, बिकॉज बसेस ईवी में ही आएगा. बट जो इंटरेस्टिंग है, इनका रिलायंस के साथ टाई अप हुआ है, और वहां पे ये ग्रीन हाइड्रोजन बसेस निकाल के ला रहे हैं. ग्रीन हाइड्रोजन बसेस, जब ये बसें सड़कों पे घूमेंगी तो डेफिनेटली कार्बन फुटप्रिंट तो कम होगा ही होगा, गवर्नमेंट का भी ऑब्जेक्टिव पूरा होगा. बट एक बार आप इन बसेस की फीचर सुनो. ये जो ग्रीन हाइड्रोजन बस आएगी 12 मीटर की होगी, बस का फ्लोर नीचे होगा, इसको बेटर माना जाता है, और कस्टमाइजेबल है, जहां पे आपकी सीटिंग कैपेसिटी 32 से 49 सीट तक की हो सकती है, एंड जो ड्राइवर सीट ऑफ कोर्स वो अलग होती है. उसके बाद ये जो पूरा इसको रिफ्यूलिंग लगेगा ना, हाइड्रोजन बस को रिफ्यूल करने में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट लगते हैं, सिर्फ 15 मिनट, एंड 400 किलोमीटर की रेंज है. और एमिशन की बात करोगे तो एमिशन के नाम पे सर सिर्फ पानी निकलता है, जिसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है. इनके पास टाइप 4 हाइड्रोजन सिलेंडर्स हैं. इन सिलेंडर्स की जो टेम्परेचर कैपेसिटी होती है, इट कैन गो फ्रॉम -20 डिग्री सेल्सियस टू 85 डिग्री सेल्सियस, तो सेफ भी है. एंड अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट, विद इन वन ईयर ये बसेस लॉन्च हो जाएंगे. अब बात करते हैं फ्यूचर रोड मैप, कंपनी क्या सोच रही है, हाउ आर दे एक्सपेंडिंग. सबसे पहली चीज, कंपनी ने 150 एकर्स ऑफ लैंड ले लिया है तेलंगाना में. कंपनी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट लगाने वाली है. ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट मतलब जो प्रोजेक्ट एकदम स्क्रैच से शुरू होते हैं. ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट होते हैं जिनको बने हुए हैं बट उनको और एक्सपैंड कर रहे हैं या रेनोवेट कर रहे हैं. ग्रीन फील्ड जो एकदम शुरू से शुरू होते हैं. ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, तो इनके व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी बढ़ने वाली है. इसके बाद इनकी एंट्री हो गई है स्टाफ ट्रांसपोर्ट प्राइवेट सेगमेंट में. इनकी टारमैक बसेस एयरपोर्ट्स में भी यूज होंगी, और कंपनी ईवी बसेस में है बट ये और भी ईवी प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं. ये और फैक्ट्रीज खड़ी कर रहे हैं, अपनी फैसिलिटीज को और बढ़ा रहे हैं. तो एज इन्वेस्टर्स ना डम है. अब एक और वेरी इंटरेस्टिंग चीज जो इस कंपनी ने कर रखी है ना, वो है इनके टाइप्स. ग्रीन हाइड्रोजन बसेस के लिए रिलायंस टाइप कर रखा है, ठीक है. अब बीवाईडी के साथ टाइप कर रखा है फॉर देयर इलेक्ट्रिक बसेस. BYD एक चाइनीज ऑटोमोबाइल कंपनी है, एंड इंडिया में ऑब्वियसली इनकी ज्यादा गाड़ियां है नहीं, बट वर्ल्ड वाइड दे आर वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट ऑटोमोबाइल कंपनीज. BYD से क्या करते हैं, जो बसेस की बैटरी होती है, जो बसेस का चैसिस होता है, जो बसेस की सब असेंबलीज होती है, फोक्स होते हैं, वो सब और सब BYD से इनके पास आता है. अगर आप इनके मॉडल देखोगे तो इनका सबसे पॉपुलर मॉडल तो ये है V2 7 मीटर्स वाला, उसके बाद IX 9 मीटर्स वाला, फिर X2 12 मीटर्स, फिर CX2 12 मीटर्स, एंड फिर E-triple 6x4. ये इनका पूरा ट्रक है. अगेन ये ट्रक अभी और करेगा अच्छा, अभी एज ऑफ नाउ इट इज स्टिल इन द वेरी इनिशियल स्टेजेस. उसके बाद ये इंडस्ट्री पॉलीमर इंसुलेटर्स में भी है. अब इंसुलेटर्स आप समझते हो ना कि वो बिजली को पास नहीं करने देते, इंसुलेट कर देते. अब इंसुलेटर्स आते हैं आपके, ग्लास इंसुलेटर आते हैं, रबर इंसुलेटर आते हैं, डिफरेंट टाइप इंसुलेटर्स भी आते हैं, बट जो पॉलीमर इंसुलेटर ये देखा गया कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बेटर करते हैं, प्रोडक्ट की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बेटर करते हैं, और इंसुलेशन में तो दे आर फैंटास्टिक इटसेल्फ. और इलेक्ट्रा ग्रीन टेक के पास 15 साल का एक्सपीरियंस है फॉर मेकिंग पॉलीमर इंसुलेटर्स, एंड दे आर ऑलरेडी सप्लाइंग टू पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सप्लाई करें, फिर कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन सप्लाई करें, मैकलीन पावर एंड सिस्टम, लार्सन टूबो, ऐसे बड़े बड़े नाम है जिनको ये सप्लाई कर रहे हैं. फाइनेंशियल की बात करें तो एक अच्छी चीज, कंपनी का ना देखो सर मार्जिन 21 से 26% हो गया है, विच इज फैंटास्टिक, एंड डेट इक्विटी इज ओनली 0.15. ये है कंपनी के बाकी फाइनेंशियल्स, ये है कंपनी का ग्राफ. इन तीनों में से विच वन वुड यू प्रेफर, में से एक भी नहीं तो कौन सी कंपनी चाहिए, किस कंपनी का एनालिसिस चाहिए, सर आप नीचे लिखो, गोयल आपके लिए वीडियो बना देगा. This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.